Don't forget to subscribe and hit the ghanti. खाना लेके बैठो. Drop it. Another brilliant day starts with you beautiful people. और इस वीडियो में मैं रहूंगा आपका होस्ट और ये पता नहीं ये क्या करने वाला है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ इन दिनों में मेरे साथ. Tell them about daily vlogs. Daily vlogs. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर उस वीडियो को 25,000 लाइक्स आते हैं तो आई विल स्टार्ट डेली व्लॉगिंग. गाइस जैसे व्यूज मिल रहे हैं और लाइक इट इज अ वियर्ड फीलिंग. इट इज लाइक एग्जाम्स के बाद आपको रिजल्ट के टाइम ऐसा डर लगता था ना, पेट में थोड़ा ऐसे कुछ गुड़गुड़ होता था, कोटा घोड़ा आला सर का होते, लाइक रोलर कोस्टर पे बैठे आप, उस तरह का फीलिंग आ रहा है. और पता नहीं क्या होने वाला है यार. डेली व्लॉग्स पर 25,000 लाइक्स नहीं आए, करीब करीब 13,000 लाइक्स आए, इसीलिए आई वोंट बी डेली व्लॉगिंग. ओके, Why don't you go and talk to mom? Because she is angry, right? और किसी को तो मनाना पड़ेगा mom को. So yeah. Thank you. All right. सच बोलूँ तो मुझे दिल से daily vlogging करना था, but अभी नहीं तो बाद में कभी. उसके बाद घर पे आए कुछ subscribers, some UIC family members जिन्होंने cake order किया था. Guys, Akash and Prakash are here from Delhi, all the way from Delhi. How is the UIC family doing? Just give them a dab and they'll be happy. Yeah, and Deepika has baked this cake for them. और ये केक लेके जाने वाले हैं ये सीधा देविता श्राफ मैडम के पास. Is it श्राफ or शराफ? सराफ. Okay. By the way, guys, if you don't know about this lady, do check it out. Do Google her name. She is an inspiration. She is an awesome lady. A great young female entrepreneur, right? Exactly. And this is her brand. Yeah, that. Not the Lamborghini. This one. और जब वो आए थे घर पे तभी मेरा दोस्त घर पे आ गया, अखिल फ्रॉम टेक्सम टीवी. व्हाट इज दिस? बोले ये क्या है? गाइस डू यू नो अखिल? ये क्या है? बाय द वे गाइस, इफ यू डोंट नो अखिल, ही इज फ्रॉम टेक्सम टीवी एंड ऑलमोस्ट सोशल. अखिल इज द गाय जिसने हमारा गिव अवे स्पॉन्सर किया था, जिसमें हमने दिया था नेक्सस 6P. यू रिमेंबर दैट? लास्ट वाले ब्लॉग में भी यही मेंशन था कि 6P वाला बंदा. हाउ कैन आई फॉरगेट दैट ब्रो? इतना बड़ा स्पॉन्सरशिप कोई देता है? 1 साल के पहले. Other than OnePlus, by the way. Yeah. हाँ. So ये भी मैं अभी this is Akhil's bag. Yeah. तो ये OnePlus मेरे लिए है. मेरे लिए serious. आई यू serious? और इसी के साथ में यही नहीं है, bag ही नहीं है. और मैं प्रसाद के लिए ये भी लेके आया हूँ. देखना है दोस्तों. देखना क्या है? I don't know why Chinese people feel 4 is an unlucky number. That reminds me of OnePlus 5. चार cases free. 1, 2, 3, 4. But this is a review unit, right? Yeah. Or I can keep it. No, this is a review unit. We'll have to return it. Yeah, in 3 weeks. God damn it. E na chalbe, khul ja. So here we have the phone, guys. क्या बोलूँ मतलब? iPhone. अगर ये इसी डब्बे से नहीं निकलता और मैं इसको ऐसे दोबारा आग बंद करके कि क्या है बोलता iPhone. Exactly. कोई ये OnePlus का logo छुपा दे और अगर कोई ऐसे बात करता रहता फोन पे तो I would have thought कि this is the iPhone 7 with a 3.5mm jack. And a Type-C USB port. Designers can design phones so much better, but still they have to copy. I don't know why. Box के अंदर आपको earphones नहीं मिलेंगे इतना खर्चा करने के बाद भी. So if you want to know more about earphones, I've made several videos on earphones. You can check out my main channel. Links below in the description. This is marine drive at night. You can see the clouds, guys. तो जनरली एपर्चर अच्छा हो तभी जाके ये क्लाउड्स बर्स्ट देखते हैं. Am I right? तो एपर्चर इज 1.7 व्हिच इज रियली रियली अमेजिंग. तो साथ में बताया जो डिटेलिंग आपको आती है अगर आप एकदम लो लाइट में है वो लो एपर्चर से ही आ सकती है तो उसके लिए काफी अमेजिंग है. ये पूरा अंधेरे में था, इसके अंदर कैब की लाइट ऑन नहीं है. लुक एट दिस पिक्चर. सो द कैमरा सीम्स गुड एंड बाय द वे गाइस ही इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. सो directly from the horse's mouth. So guys, even if I have the unit with me, even if I can do the unboxing right now, I can give you a review, but I'm not going to do that. But if you have doubts regarding it, aap mujhe pooch sakte ho on Instagram, on Facebook. Best Buy link is in the description of the video. Yeah. So if you want to make me rich, you can buy using that link. कैश ऑन डिलीवरी है या नहीं एक बार देख लेना, उसी के बाद खरीदने के बारे में सोचना. OnePlus 5 को अच्छे से देखने के बाद आई डिसाइडेड कि अखिल भी घर पे है तो मुंबई फूड फटाफट ही चलते हैं ना. शुड आई डू इट? Yes. इस बार मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से फटाफटी की जो प्लेस थी वो सिलेक्ट की. ओके गाइस, सजेस्ट मी अ नंबर बिटवीन 1 to 48. आई चूज अ नंबर ना. यू ऑलरेडी सॉ द लिफ्ट. ना यू ऑलरेडी सॉ द लिफ्ट. आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स. ओके सो यू गिव मी टू नंबर्स व्हिच आई सजेस्ट आउट ऑफ व्हिच आई चूज वन. ओके गाइस, सो आर यू गिविंग मी अ नंबर? वी हैव अ नंबर हियर. वी हैव अनदर नंबर विद अस. We have one more number with us. 30, 14, 3, and 24. 24. I'll tell you the reason why. 24? What? Why? I believe in numerology, so my date of birth is 6th August, so I'm going with like 2 and 4, 6.
Jafar bhai Delhi darbar. Biryani, I wanted to have biryani. We have to do it now, right? Mahim. We have already played the game and we cannot break the rules. Mahim mein bhi hai. So ek to rice de denge inko. Wo baju wala nikal ke. Ye do do kaan ke niche deewar milega. खत्म माजा आयुष उद्वस्त करायला निघाला यार माणूस इकडे क्लीन शेव किया तो मैं दीपिका आ रहे ना मैं आ रहा सी आई टेल यू जब मैं क्लीन शेव करता हूं आईने में देखता हूं ना आई कैन नॉट रिलेट टू दैट पर्सन. Yes, I went live on Instagram और मैंने लोगों से randomly numbers पूछे और उसमें से एक number select किया अखिल ने and then we went there and this is what we did. So guys, we were discussing कि मुझे tattoo बनाने की बहुत इच्छा हो रही है and Deepika is strictly against it. She just does not want my body to get inked. On a serious note, I'm thinking of tattooing UIC. Look at her, just look at her. This wave stops me from doing it. Otherwise, I have really nice friends who can tattoo, right? Deepika, we should get you tattooed. No ways. Yeah, we'll tattoo Deepu ji on you. Deepu ji. What Deepu ji? No ways. G is the thing. G is dope. Yeah. G is yo. Deepu ji. Last to last vlog mein, Deepika ne comment kiya tha vlog ke upar gup gup gapa gup. Now we know gup gup, right? Gup gup, gup gup. This is gup gup. But what is gup gup gapa gup? Madam, please. No, I'm not going to explain that. Please. Tula vaiti hoga, natak karu na kos. घपा घप मतलब कोई चीज अगर जल्दी से आप खत्म करते हो तो वो घपा घप खा लेते हैं. नहीं अकील ज्यादा हो गया. ही इज व्लॉगिंग, इवन ही इज व्लॉगिंग. व्हाट इज दैट? यू आर नॉट व्लॉगिंग. सो होल्ड दिस एंड दिस ऑन फुटपाथ. लेट्स गो नाउ. दैट वाज वियर्ड, राइट? बैंगलोर में देखने मिलता है ऐसे फुटपाथ पे बाइक चलाते हैं. हां चाइला, लेट्स गो गाइस. यू हंग्री? यस. वेज रहता है यार, नॉनवेज होटल में भी वेज होता है. Okay, where is our biryani? Where is chicken biryani? ये तू उस बगना है क्या? That was rude यार. That is a thali, that is a brass cup. So finally guys, we have the chicken biryani here. Really sorry for all my vegetarian people, but a tangdi is about to land on my plate. Bam! Deepu ji got a nice big chunky piece. Insaf hua uske sath. So guys, there is a potato in chicken biryani. So I am observing this for the first time. Generally mutton biryani mein hota hai. Ye dhoka hua hai prasad ke sath. Yeah, dhoka hua hai thoda bahut. It's definitely rich in flavor. Not all that spicy. It's good. It has a different kind of taste. ज़्यादा पुदीने का फ्लेवर नहीं है. कुछ कुछ बिरयानियों में ज़्यादा पुदीना होता है, पर इसमें जो खड़ा मसाला यानी कि द ड्राइड स्पाइसेस वो ज़्यादा लग रहे हैं इसमें. दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है. फ्राई राइस. डिड यू लाइक द बिरयानी, द मटन बिरयानी? मटन बिरयानी इज वे बेटर देन चिकन बिरयानी. व्हाट अबाउट यू? अग्रीड. डिड यू लाइक द मटन बिरयानी? Yeah, you did. I know that. Guys, the thing you should have here is the mutton biryani. Yes, you should. Jekal, gup gup, gup gup. So, few recommendations. Mutton biryani. Must try caramel custard. अच्छा था. रेशमी कबाब useless था. रेशमी कबाब मत लेना. Chicken biryani भी ठीक ठाक थी. सी कबाब की क्वांटिटी कम थी पर टेस्ट बहुत अच्छी थी. लखनवी, राइट? हाँ, लखनवी मटन सी कबाब. सो वाज इट फटाफटी अमेजिंग. थैंक यू सो मच दीपिका बेक्स फॉर द ट्रीट. या थैंक यू दीपिका फॉर द ट्रीट एंड यस इट वाज फटाफटी. नो आई कैन डू द चुटकी बिकॉज आई वाज. पेट भर के दबा के खाने के बाद थोड़ा चलना बनता है, तो हम लोग ने सोचा कि चलते हैं यार. मैंने गूगल मैप में सर्च किया और मुझे दिखा माहिम फोर्ट. मैं कभी माहिम फोर्ट गया नहीं था, पर जाके जो दिखा वो इतना खास नहीं था, पर आपको दिखाऊंगा जरूर. आपको ये चीज बताई नहीं कि हम लोग है कहाँ पे. वी आर एट माहिम राइट नाउ एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द रेस्टोरेंट यू विल गेट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो लाइक ऑलवेज. एंड दैट गाय वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी. वो अपना रास्ता भूल गया मेरा कैमरा देख के. दिस इज द ताकत ऑफ माई कैमरा मैन. या दैट इज दीपिकाज इंग्लिश. व्हाट मैन? काइको मैन. किधर को यू गोइंग मैन? बाय द वे गाइस, हम लोग यहाँ पे माहिम का जो किला है फोर्ट वो ढूंढे ढूंढे आए थे. एंड दिस इज द फोर्ट, पर इसके ऊपर पूरी झोपड़ियाँ बन गई है अभी. या गाइस, दिस इज द हार्श रियलिटी. लाइक दिस कुड हैव बीन अ रियली नाइस टूरिस्ट स्पॉट, बट नाउ शुड आई यूज द वर्ड? नहीं, स्लम्ड अप. स्लम्ड अप, नॉट स्लम्ड अप.
दिस इज द फोर्ट फ्रॉम द अदर साइड गाइस. हम लोग ऐसा पूरा चल के यहाँ से इस बाजू से आए हैं. तो वहाँ पे दैट इज पूरा कचरा. बाय. सो देयर गोज अखिल. अभी हम लोग किधर? घर पे. Guys, for booking cabs, I don't use Ola or Uber application. I use this application called as Tabzo. Tabzo में कैसा है, आप खाली location डाल दो और आपको Ola और Uber का side by side rate पता चल जाता है. तो जो भी आपको जमता है वो आप use करो. ऊपर से आपको coupon codes भी मिलते हैं तो आपका काफी पैसा भी बच जाता है. So if you want to download Tabzo, the link is below in the description. And Tabzo has not paid me to say this, but yeah, if you use my link, I'll get some bonus points or something. Yeah. फटाफटी के जोश में और बिरयानी की चाह में मैं भूल ही गया कि मेरे फादर एंड मदर लॉ की वेडिंग एनिवर्सरी सेम डे पे थी. तो रात को भी बाहर का खाना बनता था. तो रात को मैं गया मेरे ससुराल. वीडियो स्टार्टेड एंड दिस स्टॉप्ड. बाय द वे नाइस टी-शर्ट अश्विनी. यो थैंक यू. आई सो ब्यूटीफुल दिस वन. बट्टी दली बट्टी 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 बट्टी. बाय द वे अगेन आई एम गोइंग टू शो यू फूड नाउ. पूरे दिन दबा के खाना खाया, इसीलिए नेक्स्ट डे मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया. बस थोड़ा सा यहाँ वहाँ, मतलब दीपिका फोर्स कर देती है ना. और हाँ, इन सब के बीच मॉम के साथ गर्मा गर्मी तो चालू ही थी. मैं जब भी कैमरा निकाल रहा था वो ऐसे खुन्नस से मुझे देखती थी किधर कोपचे से. एंड दैट वाज स्कैरी. पर मॉम और मेरा ना टॉम एंड जेरी जैसा है. तो यार हम लोग का एक दूसरे के बिना बनता नहीं है. तो सोचा यार मॉम से प्यार से बात कर ही लेता हूँ. मतलब हमेशा ही प्यार से बात करता हूँ मैं. पता नहीं उसे गुस्सा क्यों आ जाता है. कुछ लोगों को लगता है कि मैं मॉम को बहुत इरिटेट करता हूँ और फोर्सफुली बार बार कैमरा उसके मुंह पे लेके जाता हूँ. तो हाँ आई एग्री. मैं फोर्सफुली करता हूँ कभी कभी. बट दैट इज हाउ दिस होल थिंग स्टार्टेड. द वीडियो इन विच मॉम बिकेम थग मॉम, अगर आप वो देखोगे तो रैंडमली कैमरा चालू था एंड शी डिड व्हाट शी डज. She gets hyper. She has an awesome personality. Even before I started this vlog, वो बोल रही थी कि मेरे पास कैमरा लेके आई मत. बट इसका कैसे है ना, इसको मुंह पे बोलती है कि नहीं मत कर, बट उसको अंदर से चाहिए. और तुम लोग को भी चाहिए. अरे थाम ना मम्मी यार. अभी वी आर टॉकिंग एंड शी वॉज अबाउट टू गो. तो ऐसा मतलब आज मैं आप लोगों को और मॉम को एक चीज बोलना चाहता हूँ. When I keep this camera in front of you people, it is like मैं आपको एक स्टेज दे रहा हूँ. जितने भी हम UIC फैमिली मेंबर्स हैं उनके सामने आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ प्रेजेंट करें, आप कुछ बोलें. Mom, it is an opportunity. So you can do whatever you want. And practically she even does not have to do anything. जो करने का मैं करता हूँ मतलब. But sometimes it happens कि दिमाग में कुछ और बातें रहती हैं, टेंशन रहता है, मूड नहीं रहता है और मैं कैमरा लेके जाता हूँ. But now I am doing it since 1.5 years. मतलब कल की बात नहीं है मैंने ब्लॉगिंग चालू की है. सो यू डोंट वांट मी टू टेक यू इन माय ब्लॉग्स? प्रत्येक वेळी नाही. अच्छा हमेशा नहीं. पर मैं पूछ के नहीं ले सकता ना. असं विचारायचं मम्मी आता मी कॅमेरा घेऊन येऊ का. तू तयार आहेस का? कधी पण विचारेल बसतो काय पण. दॅट इज ब्लॉग लाईफ. दॅट इज ब्लॉगर्स लाईफ राईट. इट हैज टू बी रॉ. इट कांट बी स्क्रिप्टेड. मैं ऐसे बोल नहीं सकता कि मम्मी अभी मैं कैमरा लेके आ रहा हूँ एंड देन आई गो एंड shoot. That cannot happen. भांडण होत. तो होऊ दे भांडण. Finish him. Okay, but one thing. I promise one thing now. अगर इसको बुरा लगेगा तो वो मैं content नहीं डालूंगा. या तो प्रत्येक वेळी बोलतो. मम्मी यार आता मी बोलतोय ना. मम्मी 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 don't get angry at me. मम्मी don't kill me. By the way, mom is making dahi vadas. मम्मी दही वड़ा मम्मी फॉर यू. देखो वंटा बच्ची मामा है. बट्टी हो गया हमारा. मम्मी तू बट्टी. तू लाइक दैट बट्टी. चलेगा हे असते मुलाचं प्रेम. नाउ किस माय बट्टी. अरे वा. फाइनली मॉम के साथ सब सेटलमेंट हो गई है भाई लोग. सो डोंट वरी ओके. योर बॉय हैज टेकन केयर ऑफ इट. ब्रो आई डिड इट. टेक क्रेडिट का हो. आई डिड इट. तो बस ऐसा ही था मेरा दिन. थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजाक, बहुत सारा खाना
ढेर सारा खाना, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, वो बहुत स्पेशल होते हैं यार। क्या बताऊँ, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लाइक्स भी आ जाएंगे। मतलब मैंने हवा में तीर मार दिया था कि 25,000 लाइक्स मुझे चाहिए। और व्यूज आप देख सकते हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे थे जो दिल से चाहते थे कि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करूं क्योंकि मेरी हेल्थ अफेक्ट होगी, मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, मतलब यू पीपल फील सो मच फॉर मी। दिस एक्चुअली मेक्स मी फील कि मैं फैमिली जो बोलता हूँ ना आप लोगों को, UIC फैमिली, यार दिस कनेक्ट इज अमेजिंग। इट्स ब्यूटिफुल मैन, इट्स सिंपली अमेजिंग। Thank you guys for supporting me. I'll be shooting crisp content at you continuously, so don't worry about it. And abhi tak aapne subscribe nahi kiya hai, so do hit the subscribe button, be a part of the Indian Consumer family, because you know why? The UIC family is the best family on YouTube. Period. Abhi sone jata hu, warna Deepika uth ke maarne wali hai mujhe. Bye guys. Have a great day, man. I love.